हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं देवतन अग्रवाल, राम राम भाई। ये वीडियो है पार्ट फाइव। फोर में हमने टिकट का कुछ बारे में बताया था। पार्ट फोर में अगर हमें क्या बताना है, हम यहाँ पे बताएंगे कुछ वोल्टेज के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहेंगे। देखो ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक एक्स और एक वाई लाइन होती है। तो इस लाइन के बीच में ना, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे नेगेटिव कहते हैं, इसे नेगेटिव पॉइंट कहते हैं। ये नेगेटिव सिरा होता है और ये पॉजिटिव सिरा होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कोई पल्स इस तरह से चल रही है, जैसे मान लो कोई पल्स इस तरह से चलेगी, ऊपर गई और फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे, तो जो ऊपर का सिरा होगा वो पूरा पॉजिटिव होगा और जो नीचे का सिरा होगा वो पूरा नेगेटिव होगा। तो इसको हम वोल्टेज में भी प्लस माइनस में हम काउंट करते हैं। प्लस ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहे ना, ये ब्लॉक आपके वोल्टेज के होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पर आपको 10 वोल्ट सेलेक्ट है, तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक बना हुआ है ना, इसको डिवीजन कहते हैं। तो ये डिवीजन 10 वोल्टेज का डिवीजन है। हम इस डिवीजन को कम कर सकते हैं इस तरीके से, नोटिस कीजिएगा। तो इसको कैसे कम करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, तो ये कैसा है, यहाँ पर आप नोटिस करो, ये जो यहाँ पर नोब दी हुआ है ना डिवीजन का, ये तो आप इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, क्लॉक वाइज घुमाना है, इस तरीके से आप डिवीजन को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये 1 वोल्ट आ गया, तो इसका मतलब है कि अब ये जो ब्लॉक है ना, ये 8 वोल्ट का डिवीजन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर कुछ वोल्टेज देकर दिखाता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये वोल्टेज किस तरह से। तो हम डीसी ऑन करते हैं और डीसी में हम यहाँ पर एक 1.8 वोल्टेज लगभग सेट करते हैं, या हम बात करें 4 पॉइंट समथिंग वोल्टेज हम यहाँ पर सेट करते हैं ये करके, ठीक है। देखिए ये मेरा डीसी का वायर है और ये मैंने प्लस के साथ प्लस लगा लिया, ठीक है, और माइनस को भी दे देता हूँ ताकि नॉइज ना आए। ये तो नॉइज देखो, माइनस लगा दिया तो नॉइज ना आए। अब मैंने कितना वोल्ट दिया है, तो मैंने जो वोल्ट दिया है वो दिया है 4, ठीक है। तो 4 वोल्ट मैंने दिया है। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर कितना है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 20 वोल्ट सेलेक्ट किया है, हम इसको बिल्कुल बीच में लाएंगे। और सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे, ताकि यहाँ पर वोल्टेज के हिसाब से ये सही बने, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो प्रोब है उसमें क्या दिया है और हमने किस पे सेट किया हुआ है। देखिए मेजरमेंट आपका तभी बनेगा जब यहाँ पर आपका X10 है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, S10 पे क्लिक करना है, देखिए S10 करना है, फिर आपको चैनल 1 पे जाना है और यहाँ पर भी S10 करना है। ये क्यों, ये इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपको अपने कोर्स में बताया है कि फिलहाल तो आपको दोनों पे S10 करके रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने कितने वोल्ट दिए हैं 4, और क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कितने परसेंट है 20, तो वो तो दिखाएगा नहीं क्योंकि एक ब्लॉक ही 20 का है, ठीक है। और अगर मैं आपको बहुत इस 20 वोल्टेज को थोड़ा सा कम करूं, जैसे 5, तो नोटिस करो, तो एक ब्लॉक मेरा 5 का हो गया। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, एक ब्लॉक, एक डिवीजन मेरा 5 का हो गया। तो देखिए ये थोड़ा सा ऊपर गया, जैसे मैं 5 ही देता हूँ, चलो मैं 5 दे देता हूँ, पूरे 3 दे देता हूँ, चलो या 2.5, आधा, तो ये भी एक बढ़िया होगा, 2.5 दे देता हूँ। तो अब मैंने 2.5 दे दिया ना, तो अब नोटिस करो, तो ये आप क्या हो गया, ये ब्लॉक का आधा हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो कितना रखा था 5, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, आधा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 2 रखता हूँ, तो देखो 1, 2 और 1 थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है, 1 रखता हूँ। तो अब यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से 1, 2 और 2.5। तो इस तरीके से ये वोल्टेज को हम यहाँ पर चेक करते हैं। और अगर हमें यहाँ पर भी चाहिए कि हम कितना वोल्टेज यहाँ पर ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वर्टिकल सेलेक्ट करना होगा और वर्टिकल में Vmax हम यहाँ पर, सॉरी, वर्टिकल सेलेक्ट करना होगा, वर्टिकल में Vmax पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे देखिए वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है, तो वो एक्चुअल वोल्टेज आपको यहाँ पर बता रहा है कि भैया एक्चुअल वोल्टेज तो आपको 2.6 समथिंग करके मिली करके वोल्टेज मिल रहे हैं, जो कि डीसी तो आपको 2.5 बता रहा है, पर एक्चुअल आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा वोल्टेज का, बट आप फिलहाल इतना समझ लेना कि आपको अपने प्रोब को है ना यहाँ पर S10 पे रखना है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको अपने प्रोब को ना यहाँ पर भी ये इसको भी आपको ना S10 पे रखना है, तो आपको तब जाके ये प्रॉपर इसकी सेटिंग होगी, अदरवाइज ना आपके वोल्टेज की सेटिंग नहीं होगी। आप यहाँ पे 20 दोगे तो आपको कुछ भी बताएगा, तो दोनों को S10 पे रख लेना, तो आपकी प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अब जैसे मान लो मैं देता हूँ 1 वोल्टेज, समझना, यहाँ पे मैं देता हूँ 6 वोल्टेज, चलो देखो मैंने यहाँ से पहले इसकी सेटिंग की और इसको थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ाया, 5 कर दिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ 6, तो आप देखिएगा ये क्या होगा, ये 6 से ऊपर जाता जाएगा, 5 हल्का हल्का ऊपर जाता जाएगा, नोटिस करना। या तो एक काम करते ना, बहुत बढ़िया है, आपको समझाने के लिए करते हैं, चलिए इसको 1 पे ही रखते हैं, ठीक है, और यहां से पहले 1 वोल्टेज देते हैं, देखिए, तो देखो ये 1 वोल्टेज दिया तो 1 ब्लॉक, 2 वोल्टेज देंगे तो दूसरा ब्लॉक, 3 वोल्टेज देंगे तो तीसरा ब्लॉक, और 4 वोल्टेज देंगे तो चौथा ब्लॉक। अब 5वां वोल्टेज देना है, जैसे हम 5 वोल्टेज दे रहे हैं, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा डीसी कितना है, तो हम इसको क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ा देंगे, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे 2 वोल्टेज, तो 2 वोल्टेज हम बढ़ा देंगे, तब ये हर ब्लॉक का कितने वोल्टेज का हो गया, 2 का हो गया। तो 5 में तो ये 2, 2, 4 और ये लगभग 5। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर डीसी को वोल्टेज को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर इसी तरीके से हम डीसी वोल्टेज को यहाँ पर अपना चेक करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको टिकट किया हुआ है और ये हमें बता रहा है कि डीसी वोल्टेज भी जो हमें मिल रहा है ना, वो कुछ नैनो सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नैनो सेकंड के तब जाकर हमें बाद में मिल रहा है। जैसे हम इसको अचानक तो और सिग्नल ले सकते हैं इसका, नोटिस करना,
देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा नॉइज भी मिल रहा है, ये जो नॉइज दिखाई दे रहा है डीसी में। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर देना, 100,000 चैनल में होने वाले हैं, और इसलिए मैं ये सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम कुछ मेजरमेंट के वीडियो देख लेते हैं।